मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मतगणना के बाद प्रशासन ने उन्हें विजयी घोषित कर दिया था। कल डिंपल यादव ने 288,461 वोटों से भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह को हराया है। डिंपल यादव ने 618,120 वोट हासिल किए, जबकि भाजपा प्रत्याशी रघुराज ने 329,659 मत हासिल किए। डिंपल को 64.08% वोट मिले तो वहीं रघुराम को 34.18% वोट मिले। आज जान लेते हैं डिंपल यादव के बारे में कुछ जानकारी। दरअसल डिंपल यादव क्या करती हैं, वो कितनी संपत्ति की मालकिन है, इस बारे में कई लोग जानना चाहते हैं, तो आज उसी से रिलेटेड खबर है आपके लिए। दरअसल हर लीडर को चुनाव लड़ने से पहले अपना ब्यौरा देना होता है। नामांकन करते हुए उन्हें अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनकम के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। उसी के लिहाज से आज हम आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। डिंपल यादव के पास 14,24,00,000 रुपए की संपत्ति है। इसमें करीब 59 लाख रुपए से अधिक कीमत के गहने शामिल है। हालांकि डिंपल यादव के पास कोई वाहन नहीं है। उपचुनाव में नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने ये ब्यौरा दिया है। इस शपथ पत्र के मुताबिक उनके पास 4,62,00,000 रुपए की चल संपत्ति और 9,61,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट पर नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र में उनकी चल संपत्ति 3,68,00,000 रुपए और अचल संपत्ति 9,30,00,000 रुपए थी। उस हिसाब से चल संपत्ति में 94,55,000 रुपए और अचल संपत्ति में 31,00,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कुल संपत्ति 1,26,00,000 रुपए बढ़ी है। डिंपल यादव के पास 3 साल पहले 59,76,000 रुपए के गहने थे, अब उतने ही हैं। उन पर 14,26,000 रुपए और पति अखिलेश के पास 17,26,000 रुपए का ऋण है। बीकॉम पास डिंपल यादव पर कोई मुकदमा नहीं है। शपथ पत्र के मुताबिक उनके पति अखिलेश यादव पर वर्तमान में 25,55,00,000 रुपए की कुल संपत्ति है।